Hey guys, this is me Robbie here. This is me Azu here. The guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग हमारे channel पर new हो तो दिल से हमारे channel को subscribe करो. Azu Robbie gang को join कर लो. हमारा एक vlogging channel है बदले में Azu Robbie vlog. नीचे आर description में link है. उसको भी subscribe कर लो. चलते हैं आज की reaction video की तरफ. Azu time के. आज हम जिस video पे reaction देने वाले हैं उसकी बहुत सी requests आती हैं. वो है trains के ऊपर. तो आज हम reaction देने वाले हैं Indian trains versus Pakistani trains. तो उस पर कंपेरिजन है बनता नहीं है कंपेरिजन बिकॉज हमारे वो क्वालिटी की ट्रेन्स नहीं है जो कि इंडियन की ट्रेन से हमने देखी हैं लग्जूरियस ट्रेन वगैरह. तो लेकिन फिर भी कंपेरिजन लोगों ने कहा और हम कर लेते हैं आपके लिए. हाय फ्रेंड्स, तो आज हम कंपेरिजन करते हैं भारतीय रेलवे वर्सेज पाकिस्तान रेलवे. सबसे पहले बात करते हैं इनके इतिहास की. तो 1947 से पहले दोनों देश एक ही हुआ करते थे और दोनों में ही अंग्रेजी शासन ने रेलवे की स्थापना की थी. लेकिन जैसे ही 1947 में अंग्रेजी सरकार यहाँ से गई तो उसके साथ ही दो देश निकल करके आए, भारत और पाकिस्तान. फ्रेंड्स, दोनों देशों में ही अंग्रेजों ने रेलवे की स्थापना की थी और दोनों देशों में ही लगभग एक ही समय पर ट्रेन चलाई गई थी. लेकिन बात करें वर्तमान भारत और वर्तमान पाकिस्तान की, तो वर्तमान भारत में 1853 में पहली ट्रेन चलाई गई जबकि वर्तमान पाकिस्तान में 1861 में पहली ट्रेन चलाई गई थी. अब फ्रेंड्स बात करते हैं दोनों देशों की सबसे तेज गति से चलने वाली रेल की. तो भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत जो कि 180 की स्पीड पर चलने वाली ट्रेन है. फ्रेंड्स इसके अलावा RRTS और गतिमान एक्सप्रेस भी 160 की स्पीड से तेज गति से चलने में सक्षम है. वहीं बात करें पाकिस्तान की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की, तो पाकिस्तान की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है जिन्ना एक्सप्रेस जो कि 120 से 130 की स्पीड पर चल लेती है. फ्रेंड्स अब बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की. तो भारत में टोटल ट्रैक का 90% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, वहीं पाकिस्तान में इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में जीरो है. फ्रेंड्स पाकिस्तानी रेलवे ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम का प्रयास किया था लेकिन जो बिजली के तार हैं वो सारे चोरी हो गए, इसलिए पाकिस्तान में वर्तमान में कोई भी इलेक्ट्रिक ट्रैक ऑपरेट नहीं होता है. फ्रेंड्स बात करें मेट्रो ट्रेन की, तो भारत में वर्तमान में 15 शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवा दे रही है. इसके अलावा काफ़ी शहरों में इसका काम चल रहा है. और वहीं पर बात करें पाकिस्तान में मेट्रो ट्रेन की, तो पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चलती है. इसके अलावा किसी भी शहर में मेट्रो ट्रेन देखने को नहीं मिलती है. फ्रेंड्स बात करते हैं मोनोरेल की, तो भारत में मुंबई में मोनोरेल सेवाएं दे रही हैं जबकि पाकिस्तान में एक भी शहर में मोनोरेल देखने को नहीं मिलती है. फ्रेंड्स बात करते हैं ट्रेम्स की, तो भारत में कोलकाता में ट्रेम्स देखने को मिलते हैं जबकि पाकिस्तान में कहीं पर भी ट्रेम्स देखने को नहीं मिलते हैं. हालांकि इस मामले में भारत भी इतना आगे नहीं है लेकिन पाकिस्तान की बजाय भारत में एक शहर में ट्रेम्स देखने को मिलती है. वहीं बात करें डबल डेकर ट्रेन की, तो भारत में डबल डेकर ट्रेन सामान्यतः देखने को मिल जाती है जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई ट्रेन ऑपरेट नहीं होती है. फ्रेंड बात करें लग्जरी ट्रेन के बारे में, तो लग्जरी ट्रेन के मामले में भारत दुनिया में नंबर वन पर है. भारत में महाराजा एक्सप्रेस, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील, पैलेस ऑन व्हील ऐसी काफ़ी ज़्यादा लग्जरी ट्रेन भारत में देखने को मिलती है जबकि पाकिस्तान में लग्जरी के नाम पर इस प्रकार से ट्रेन को फूलों से पत्तियों से सजा दिया जाता है. यहाँ पर एक भी ट्रेन लग्जरी ट्रेन के स्टैंडर्ड को पार नहीं करती है. फ्रेंड्स बात करते हैं गुड्स ट्रेन की, तो भारत में वर्तमान में दो फ्रेट कॉरिडोर जो कि स्पेशल रूप से मालगाड़ियों के लिए बना है ऑपरेट है जबकि पाकिस्तान में इस प्रकार का कोई ट्रैक ऑपरेट नहीं है. फ्रेंड्स इस मामले में भी भारत एक तरफा पाकिस्तान को बीट करता है. फ्रेंड्स बात करें बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की, तो भारत में मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जो कि 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा. इसके अलावा 5 से 6 प्रोजेक्ट और प्रस्तावित हैं जो कि भारत में 2030 तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे जबकि पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट प्रस्तावित नहीं. तो फ्रेंड्स आपको भी कौन सा रेलवे पसंद आया, भारतीय रेलवे या फिर पाकिस्तान रेलवे, इसका जवाब कमेंट सेशन में दीजिएगा. वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा. सो गाइस दिस वाज अ रिव्यू ऑफ इंडियन रेलवे वर्सेस पाकिस्तानी रेलवे.
आई टोल्ड यू बिफोर कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं, बिकॉज़ यहां पर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बोसीदा है, बैड है, कोई खास चल नहीं रही ट्रेन्स यहां पे. लेकिन इंडिया में तो बहुत सी तरक्की हो रही है, हमने तो बहुत सी वीडियोस भी की है ट्रेन्स के ऊपर, लग्जरियस ट्रेन्स और डिफरेंट ट्रेन्स और इवन ट्रैम्स के ऊपर, फिर जो रैपिड ट्रेन और बहुत सी ट्रेन पे की है, बुलेट ट्रेन पे, वाटर ट्रेन, बहुत सारी हैं. हमने तो बहुत सी वीडियोस भी की हुई, आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस में. लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसी कोई ट्रेन नहीं चल रही, सिर्फ पाकिस्तान में एक मेट्रो ट्रेन ही चल रही है, लाहौर बेल्ट, लाहौर में ही चलती है. और दूसरी जो रेलवे है वो इंटर सिटी जो है, इंटर सिटी की, वो डिफरेंट ट्रेन है, लेकिन वो भी कोई खास नहीं है ऐसी क्वालिटी की जो इंडिया से कंपैरिजन कर सके. लग्जरियस बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल सी है, लेकिन वो कंपैरिजन नहीं बनता, कंपैरिजन नहीं बनता. तो गाइस ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया के रेलवे ट्रेन्स का. तो हमें तो पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका हुआ है और कर रहा है मजीद भी आगे. तो इंडिया का पाकिस्तान का उस पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन नहीं है. लेकिन फिर भी हमने आप लोगों के लिए प्ले की है वीडियो. अगर आप लोगों ने रिएक्शन और वीडियो को इन्जॉय किया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मुलाकात करेंगे एक और रिएक्शन वीडियो का. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.